सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो मैं इस सैनडिस्क एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड को ऑर्डर किया था 25 मई को, और ये मेमोरी कार्ड फाइनली मेरे पास आ गया 30 मई मंडे को। ओके। तो मैं इस हाई स्पीड मेमोरी कार्ड को अमेजोन से ऑर्डर किया था, और एक टेम्पर्ड पैकेट के साथ आता है, और इस पैकेट को मैंने पहले ही खोला था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझको पैकेट के अंदर बिल मिल जाता है, देन मेरा जो मेन मेमोरी कार्ड है वो मुझको मिल जाता है। तो इधर पैकेट में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है, और इधर लिखा हुआ है सैनडिस्क एक्सट्रीम मैक्रो एसडी कार्ड विद एक्सट्रीम कैप्चर ट्रांसफर एंड ऐप स्पीड्स और A2 फॉर फास्टर अपलोडिंग एंड परफॉर्मेंस। तो मैंने लिया है 64 GB वाला वेरियंट, और इधर स्पीड भी मैंशन किया गया है 160 MB/s रीड एंड 60 MB/s राइट। तो मैं आगे इसको टेस्ट भी करूंगा, तो वीडियो की एंड तक बने रहिए। तो मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए मैं इधर राइट साइड के पेपर को थोड़ा फाड़ देता हूँ, और मेमोरी कार्ड को ऐसे ही निकाल लेता हूँ। देन मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, और इधर एक प्लास्टिक मिल जाएगा, बहुत ही पतला सा प्लास्टिक है। इसको क्या करना है कि नाखून से ऐसे प्रेस करना है, और ये आसानी से फट जाएगा, देन आप इजीली इस मेमोरी कार्ड को निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को मेमोरी कार्ड दिखा देता हूँ। तो मेमोरी कार्ड में रेड एंड येलो कलर का पेंट किया गया है, और ऊपर सैनडिस्क एक्सट्रीम लिखा हुआ है, 64 GB मैक्रो एसडी एक्सी B30i3A2। और मेमोरी कार्ड का बैक का लुक कुछ इस टाइप का है, और एक सीरियल नंबर और BN मेड इन चाइना प्रिंटेड है। सो फाइनली मैं मेरा एसडी कार्ड को एसडी कार्ड स्लॉट में डाल देता हूँ, और मोबाइल में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने 64 GB मेमोरी कार्ड दिया, और मुझे 64 GB ही मिलेगा, ये इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं कितना मुझे मिलता है। तो मैं फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ, और मुझे मिलता है 63.8 GB। तो अभी मैं इस सैनडिस्क एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड की रीड एंड राइट स्पीड को टेस्ट करने वाला हूँ, और ये टेस्ट कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे नहीं करने वाला हूँ। मैं एक नॉर्मल पर्सन जैसे मूवीज फोटोज और वीडियोस को कॉपी पेस्ट करता है, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है एसडी कार्ड में, वैसा टाइप का कुछ टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, और मैंने इधर एक फोल्डर सेव करके रखी है स्प्रिट टेस्ट नाम का। इस फोल्डर में 3 वीडियो फाइल मैंने सेव करके रखी है, इन 3 फाइल का टोटल साइज है 1.23 GB। सो रीड स्प्रिट टेस्ट करने के लिए मैं इस फोल्डर को कॉपी कर लूंगा, और इंटरनल स्टोरेज पे पेस्ट कर लूंगा, और मेरा इंटरनल स्टोरेज का टेक्नोलॉजी है UFS 2.1। तो राइट स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं इंटरनल स्टोरेज से सेम फाइल कॉपी करके एसडी कार्ड में पेस्ट कर लूंगा, 1, 2, 3। तो मैं स्प्रिट टेस्ट तो कर लिया, अब मैं आप लोगों को रिजल्ट बता देता हूँ। 1.23 GB का फाइल एसडी कार्ड से कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज पे कंप्लीट सेव होने के लिए 15 सेकेंड लगता है, और इसका एवरेज रीड स्पीड है 60-90 MB/s। तो ये गया रीड स्पीड की रिजल्ट। और राइट स्पीड की बात की जाए, तो 1.23 GB फाइल इंटरनल स्टोरेज से कॉपी करके एसडी कार्ड पे कंप्लीट सेव होने के लिए 23 सेकेंड लगती है, और इस मेमोरी कार्ड का एवरेज राइट स्पीड है 20-37 MB/s। तो मैंने रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट तो कर लिया, तो चलिए अभी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एक 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ 20 सेकंड का, और देखते हैं कि सेव होने पे लैग होता है या नहीं। तो दोस्तों, कंटिन्यू 4K वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ किया, वैसे ही एक लैग देखने को मिल गया 1 सेकंड का। ठीक है, तो ये सेम वीडियो में अगर कोई क्लास 4 के मेमोरी कार्ड में सेव करता, तो 10 से 20 सेकंड का लैग तो देखने को मिल ही जाता। तो आप अगर इस मेमोरी कार्ड को बाय करने की सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस मेमोरी कार्ड को बाय कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप बाय कर लो। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय।